Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm your OIS coordinator, Vishazia Mauli. Today, once again, I'm over here to teach you science. Oxford International School, GH Campus, International Primary Science 5. First from syllabus. And first from syllabus, we're studying on chapter number 2, gases all around. It's made properties of gases. Gases have mass and occupy space. Does gas have definite shape? Gases have definite volumes? इसे हम study कर चुके हैं. आज हमने पढ़ना है gases around us. See the picture. The balloon is filled with gas. Matter. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. Matter has three states: solid, liquid, gas. Matter ke three states hain, you can see in the picture. Solid, liquid, gas. I explained with the help of ice, water, and many solid things and gases. Show also gases. Feel kiya hum. Solid has fixed shape and volume. Liquid has no fixed shape but have fixed volume. सॉलिड का फिक्स शेप भी है एंड वॉल्यूम भी है, वजन भी है और शेप भी एक स्पेसिफिक सॉलिड थिंग्स की. लिक्विड हैज फिक्स शेप. लिक्विड की शेप हैज नो फिक्स शेप. वाटर की कोई फिक्स शेप नहीं है बट वॉल्यूम है, बट सब वजन होता है. गैस हैज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम. गैस की कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं. Things to remember: matter has mass and occupies space. Liquid have different volumes but no different shapes. Okay? They can flow but cannot be compressed. Solid have definite shapes and definite volumes. They cannot flow and cannot be compressed. इस सब को हमने previous class में बहुत अच्छे से study किया था, पढ़ा. Today our topic is gases around us. You can see in the picture, चाहे वो tin की bottle है, आपका environment है, everything depend on the gases. Because in our environment there are many gases, in fact countless, बहुत ही ज्यादा सारी gases हैं. हम उन्हीं gases को study करते हैं, हम उन्हीं gases के बारे में जान सकते हैं जो कि हमारे यूज की होती हैं या हमसे रिलेटेड जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके यूज की होती है. उन्हें हम ज्यादातर स्टडी भी कर लेते हैं, उनके बारे में हमें पता भी होता है और आज भी हम ऐसा ही करेंगे. हम उन गैसेस को स्टडी करेंगे जो कि एनवायरमेंट में वाफर मिकदार में ज्यादा क्वान्टिटी में है और जिनका हम यूज कर सकते हैं. सी द स्लाइड, इट्स वेरी कलरफुल. बलून है, उसमें भी गैस है. सिलेंडर है, उसमें भी गैस है. कार है, उसमें भी गैस है. पेप्सी की बॉटल है, उसमें भी गैस है. बल्ब है, उसमें भी गैस है. एवरीथिंग ऑन गैस. ठीक है, इट मींस गैसेस अराउंड अस. हमारे इर्द-गिर्द सब कुछ है ही गैस. कैन यू सी और स्मेल द गैसेस अराउंड यू? सी इन द पिक्चर. बहुत ध्यान से देखिए पिक्चर को. कैन यू सी और स्मेल गैसेस अराउंड यू? क्या आप अपने इर्द गिर्द गैसेस को स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं? सी इन द पिक्चर, द वन गर्ल इज पोज लाइक इट कि उसने उसे गैस फील हुई है, उसे गैस की स्मेल आई है, तो उसने गैस फेस ऐसा बनाया और अपनी नाक को टच किया हुआ है, पकड़ा हुआ अपने हाथों से. अब वो स्मेल, अब वो गैस की फ्रेग्रेंस जो है वो अच्छी है या बुरी है, इट्स डिपेंड ऑन द एक्शन. ये आप एक्शन से अंदाजा लगा सकते हैं. अगर सामने पिक्चर में एक डर्टी मैन है, डर्टी मैन तो नहीं कहना चाहिए, जिसने गैस पास किया है, वो गैस जो है उसकी स्मेल जो है वो बुरी है, क्योंकि उस बच्ची ने ऐसा मुंह बनाया. फिर आप देखिए एक द गर्ल इज इन द पिक्चर के वो एक फ्लावर को स्मेल कर रही है. फ्लावर की फ्रेग्रेंस जो है वो बड़ी प्यारी है, अच्छी है. You can see in her eye, उसकी eyes में आप देख सकते हैं कि she's feeling happy. वो अच्छी fragrance, अच्छी खुशबू सूंघ रही है. फिर नीचे पिक्चर में देखिए कि three men are standing और ये
फायरमैन हैं जो कि आग बुझाने के लिए जा रहे हैं, इमरजेंसी सर्विस टीम है, इमरजेंसी सर्विस टीम जहाँ पे आग लग गई है और बहुत स्मेल होगी डेफिनेटली, वहाँ पे बहुत बदबू होगी और ये लोग आग को बुझाने जा रहे हैं। वो आग लगी कैसे है? इस मीटर से, गैस मीटर से, गैस का जो स्टोव होता है, चूल्हा कह लीजिए, उससे भी लग जाती है समटाइम, डिफरेंट कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से आग लग जाती है। फिर देखिए एक गाड़ी है, उसकी व्हीकल है, उसकी सिलेंसर में से स्मोक निकलती हुई दिख रही है, गैस निकलती दिख रही है, इसमें भी किसी न किसी तरह की कोई, आपने देखा होगा गैस रजिस्ट्रेशन पे गैस की स्मेल आ रही होती है, सीएनजी की गैस की स्मेल आप बड़े इजीली इनहेल कर सकते हो, फील कर सकते हो कि यहाँ पे गैस है। घरों में अक्सर गैस खुली रह जाती है तो आप स्मेल कर लेते हैं समटाइम, ये स्मेल हम स्मेल कर सकते हैं, हम जज कर सकते हैं कि यहाँ गैस है, कौन सी गैस है, इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। But sometimes it is quite difficult for us to sort out or find out the gases. ठीक है? Sometimes is it possible? Many of us do not notice the gases around us because most gases are colorless and odorless, no smell. Odorless कहते हैं उस smell को जिसमें कोई अच्छी या बुरी नहीं, मींस बस गैस है, स्मेल है, लेकिन वी कैन नेवर फाइंड आउट, वी कैन नेवर जज और सॉर्ट आउट कि ये अच्छी है या बुरी है। वरना तो बुरी वाली मैंने अभी आपको शो की ना पिक्चर में, वो फौरन से वो करते हैं अच्छी वाली। समटाइम यहाँ पे भी बहुत सारी गैसेस हैं बट मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है, मेरे एनवायरमेंट में इस वक्त मेरे अराउंड बहुत सारी गैसेस हैं बट नो जजमेंट, कोई जजमेंट नहीं है मेरी गैसेस के बारे में, बिकॉज ना कोई अच्छी स्मेल आ रही है मुझे, ना कोई बुरी। ठीक है, विंड इज मूविंग, बट हम उन्हें जज कैसे कर रहे हैं? विंड इज मूविंग एयर, व्हेन आई सी टॉय विंड मिल्स मूविंग और ट्रीज स्विंग, इट्स एयर अराउंड। अब अगर हम बाहर ट्रीज को देखें तो वो स्विंग कर रहे होंगे, छू रहे होंगे, लहर रहे होंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि बाहर हवा है, गैस है। फिर हम इसके सिंपल एग्जांपल ये ले सकते हैं, विंड मिल होती है ना जो बच्चों के टॉयज होते हैं, टॉयज में उसे भी अगर आप बाहर रख देंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो घूमना शुरू हो जाते हैं, क्यों नहीं, जिससे हमें पता चलता है यहाँ गैस है, गैस है, एयर है, तो वो मूव कर रही है ना, यू कैन सी इन द पिक्चर। आप पिक्चर में भी देखिए कि विंड मिल्स जो टॉय विंड मिल्स है वो मूविंग कर रहे हैं और ट्रीज जो हैं वो स्विंग कर रहे हैं, वो भी लहर रहे, हिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द एयर, एयर की वजह से, हवा की वजह से कि एनवायरनमेंट में एयर है, एयर मींस गैसेस। आई कैन फील द एयर इन माय फेस व्हेन आई रन, मैं बहुत इजीली एयर को फील कर सकती हूँ जब मैं वॉक करती हूँ रात को बाहर, तो ठंडी ठंडी हवा जो है वो तेज भी रहती है, आई फील गुड। इसी तरह से अगर आप डे टाइम में भी बाहर जाएंगे तो वो जो गर्म वाली हवा है वो भी आपके फेस को लगेगी, यू कैन ऑल्सो फील कि इस टाइम गर्मी बहुत होती है, हवा में तपिश बहुत है। आप इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं ना, कहते हैं ना, बोलते हैं, इट मीन्स कि यू कैन फील, हम उस चीज को इजीली फील कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि फील नहीं कर, वी कैन फील। अब आपकी फीलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, सम टाइम आपकी फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, हमारी फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, हम किसी के घर में एंटर होते हैं, इवन हम अपने घर में एंटर होते हैं, सिर्फ एक इनहेल करते हैं और हमें, हम जज कर लेते हैं कि समथिंग फिशी फिशी, शायद गैस ऑन रह गई है या कुछ और किस्म की स्मेल आ रही है, क्या सफाई नहीं हुई, कोई परिंदा मर गया है, इस तरह की अच्छी बुरी जो भी फ्रेग्रेंस होती है, जो भी स्मेल होती है, एक स्मेल होती है ऑर्डरलेस जिसकी कोई ना खुशबू ना बदबू, उसे जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अदरवाइज अच्छी या बुरी स्मेल को हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं और उसका इजी वे ये होता है कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब रातों से बच्चे वॉक कीजिएगा, वॉक करेंगे 5 मिनट 10 मिनट, आप देखिएगा आप फील करें हवा को, फील करें वो हवा जो है गैसेस। अब उन गैसेस में ऐसी कौन सी गैस है जो कि हम इनहेल करते हैं, जो कि हमारे यूज, वी ऑल नो ऑक्सीजन, इतनी सारी गैसेस में से
हम ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा गैसेस है वो अंदर हमारे इनहेल है, हम वही चीज लेते हैं जो कि हमारे जरूरत की। सी द नेक्स्ट पिक्चर, देयर इज एयर अराउंड, अदरवाइज वी वुड नॉट बी एबल टू ब्रीथ। हमारे इर्द गिर्द हवा है, ऑक्सीजन है, इसीलिए हम ब्रीथ कर रहे हैं। अगर नहीं होगी वी कांट सर्वाइव, कैन नॉट ब्रीथ, हम सांस नहीं ले सकेंगे। आपने देखा होगा सम टाइम वी फील सफोकेशन इन आवर बेडरूम, हम अपने बेडरूम में बहुत सफोकेशन फील करते हैं, बिकॉज हमने दरवाजा बंद किया होता है, एसी चला रहे हैं, इसी को हमने आधा घंटा चलाया, उसके बाद घुटन होने लग जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है रूम में, और वी फील डिफिकल्टी टू ब्रीथिंग, हमें सांस लेने में मुश्किल होती है, तो हम फौरन क्या करते हैं, बाहर की तरफ भागते हैं। एक नेचुरल चीज है, चाहे आपको इस चीज का ना भी पता हो कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ गैस नहीं है जिसकी वजह से मुझे सांस नहीं आ रहा, लेकिन आप फिर भी बाहर की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे सेंसेस में शामिल है कि हम उस चीज को जल्दी जज कर लेते हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमारे इस्तेमाल के लिए बनाया। आपको आप में से मैं भी बहुत छोटे बच्चे होंगे, नहीं पता होगा कि गैस ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम डाई हो जाएंगे, हमें हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद वो बच्चा भी, छोटा बच्चा भी जो है वो जब ऐसा उसे ऐसी फीलिंग आएगी तो वो डेफिनेटली रन करेगा बाहर की साइड में। बहुत ही कम ऐसा होता है कि आप उस फीलिंग को जज नहीं कर पाते, लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपके एनवायरनमेंट में आपके इर्द गिर्द हवा कम है, गैस ऑक्सीजन कम है, तो आपको और मुझे सांस लेने में, ब्रीथिंग में बहुत प्रॉब्लम। इसीलिए आपको बाहर बाहर कहा जाए, बार बार ये बात कही जाती है, क्लीन योर एनवायरनमेंट, पोल्यूशन मत करें, गंदगी ना फैलाएं जो आपके एनवायरनमेंट को गंदा करें, आपकी गैसेस को डर्टी करें, और फिर वो गैसेस जब हम इनहेल करें तो हम डिफरेंट डिजीजेस का शिकार, हमारे लंग्स पे इफेक्ट करती है, हमें कफ रहना शुरू हो जाती है, खांसी रहती है। ठीक है, सी द नेक्स्ट स्लाइड, देयर इज अ थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमोस्फेयर, देयर इज अ थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमोस्फेयर। हमारी एनवायरमेंट में, एटमोस्फेयर में एक थिक लेयर है एयर की, हवा की, जिसे हम एटमोस्फेयर कहते हैं, व्हाट वी कॉल एटमोस्फेयर, इसे हम एटमोस्फेयर। सराउंडिंग द अर्थ, अर्थ के इर्द गिर्द जो एक थिक लेयर है, वी कॉल दैट एटमोस्फेयर, उसे एटमोस्फेयर कहा जाता है। दिस लेयर ऑफ एयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, और ये लेयर, ये एटमोस्फेयर आपकी लाइफ के लिए, मेरी लाइफ के लिए, हम लोगों के लिए बहुत essential है, जरूरी है, necessary है। Without it, living things cannot survive. इस atmosphere के बगैर, इस good environment के atmosphere के बगैर living things का survival मुश्किल होता है। When we talk about living things, it means animals, plants, you, me, and हर वो जानदार जो कि सांस लेता है वो इसमें include होता है। अब environment में कुछ स्पेशीज ऐसी हैं जो कि ऑक्सीजन यूज कर रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जो अदर गैसेस पे डिपेंड कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, प्लांट्स ऑक्सीजन नहीं देते, प्लांट्स ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन, वो बहुत फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो कि हमारे यूज में। The air around us is mainly made up of the following gases. Air जो है वो जिन खास वाफर मकदार में जो गैसेस एटमोस्फेयर में शामिल हैं वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो भी आपसे पूछता है एटमोस्फेयर में, एनवायरमेंट में, एयर में कौन सी गैसेस ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, तो आप बताएंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। ऑक्सीजन से सुनो, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पूरा नाम। वाटर वेपर्स एंड टाइनी अमाउंट्स ऑफ
नोबल गैसेस लाइक नोबल गैसेस कुछ और खास गैसेस हैं हीलियम आर्गन नियम दीज ऑल आर सो आल्सो द नोबल गैसेस इंपॉर्टेंट गैसेस ऑक्सीजन फर्स्ट वी स्टडी अबाउट ऑक्सीजन लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन फॉर अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल व्हिच इज कॉल्ड रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन कहते हैं सांस लेने के लिए हर लिविंग थिंग को रिस्पायरेशन की जरूरत होती है लाइफ स्टाइल लाइफ सर्किल कम्प्लीट ही दो मेन सिस्टम से होता है सर्कुलेटरी एंड डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी सांस लेना डाइजेस्टिव खाना खाना ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड वी कंज्यूम जो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कंज्यूम करते हैं यूज करते हैं एज अ फूड व्हेन वी ब्रीथ जब हम सांस लेते हैं आवर बॉडीज टेक इन द ऑक्सीजन नीडेड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन मोस्ट लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव सबसे पहले तो आप पिक्चर देखिए यू कैन सी मैंने यहाँ पे दो पिक्चर्स लगाई हैं फर्स्ट पिक्चर पे कायनात एडमिट हुई है जरा मैं निकल लूँ फर्स्ट पिक्चर में आप लिविंग थिंग्स देखिए इट्स अ इंसेक्ट चिकन को देखिए फिर आपके पास है कैटरपिलर फिर आपके पास है फिश और ये है स्पंज ये सारे के सारे लिविंग थिंग हैं और ये लिविंग थिंग्स यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन यू एंड मी आल्सो यूज ऑक्सीजन गैस सेकंड पिक्चर देखिए इसमें प्लांट है और मैन एक बच्चा भी है साथ आदमी की पिक्चर है साथ इसमें इन्होंने हमें बताया है द कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन साइकिल एक साइकिल सर्कल कंप्लीट किया है जो मैं आपको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था दोबारा से करती हूँ कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन द सनलाइट सन की लाइट में प्लांट्स अपना खाना फूड तैयार करते हैं और जब वो फूड तैयार करते हैं उन्हें जो एनर्जी चाहिए वो गैस यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जब वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं टू मेकिंग फूड और जो गैस वो रिलीज करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन वो गैस होती है ऑक्सीजन ये सर्कल देखिए वो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन जो है ये रिलीज कर रहे हैं प्लांट्स ऑक्सीजन लिखा हुआ है रिस्पिरेशन और वो ऑक्सीजन मैं यूज कर आप लोग यूज कर ह्यूमन बीइंग्स यूज कर ठीक है ह्यूमन बीइंग्स जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं निकालते हैं वो यूज कर रहे हैं प्लांट्स ये सर्किल है प्लांट्स का और ह्यूमन बीइंग हमारा क्लियर हमने कहा कि ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर सर्वाइवल लिविंग थिंग्स के यहाँ लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी आते हैं लेकिन प्लांट्स कौन सी गैस यूज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज कौन सी कर रहे हैं ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन कौन यूज कर रहा है यू एंड मी आप और मैं ठीक है सी द नेक्स्ट स्लाइड To breathe underwater, the dive uses a scuba tank containing compressed oxygen-rich air. जी, breathing man को आपने देखा है जो पानी में जाके swimming करते हैं उन्होंने एक खास किस्म का टैंक अपने पीछे रखा होता है सिलेंडर रखा होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस होती है और जिसका एक पाइप उनकी माउथ में by the process of oxygen cylinder की तरह
यहाँ मास्क लगाया होता है जिससे वो ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, और ये ऑक्सीजन उन्हें कहाँ मिल रही होती है, किससे मिल रही होती है, सिलेंडर से। ऑल्दो वाटर के अंदर ऑक्सीजन है बट वहाँ ब्रीथ मुश्किल होगा, कि जब आप इनहेल करेंगे तो पानी भी अंदर जाएगा और वो फिर डेंजरस हो जाता है। इसलिए इजी वे ये होता है कि जो स्विमर्स होते हैं उनके पास सिलेंडर्स होते हैं, वो सिलेंडर्स यूज करते हैं जिसमें ऑक्सीजन गैस होती है, और यू कैन सर्वाइव इजीली अंडर द वाटर, वाटर के अंदर बहुत आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत देर तक रह सकते हैं जब तक उनके पास सिलेंडर्स में गैस मौजूद हो। देखा होगा आपने सब मूवीज में। ऑक्सीजन का और क्या काम है? ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, चीजों को जलने में मदद करती है। विच गैस? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आल्सो सपोर्ट द बर्निंग थिंग्स। क्लियर? विदाउट ऑक्सीजन थिंग्स कैन नॉट बर्न। जहां ऑक्सीजन नहीं है, अगर वहां हम आग जलाना चाह रहे हैं या कोई खाने पकाना चाह रहे हैं, वो नहीं होगा, बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन फ्लेम कैन नॉट बी बर्न। चाहे इसके लिए छोटा सा घर में एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, उसमें एक कैंडल लेना है, एक ग्लास और मैच बॉक्स, बट किसी बड़े के साथ कीजिए। बिल्कुल मैं आपको अलो नहीं करूंगी कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स अकेले, इट्स डेंजरस, ये डेंजरस है, खतरनाक। कैसे करना है मैं अभी आपको बताती हूँ। कैंडल बर्न्स व्हेन देयर इज ऑक्सीजन। कैंडल जलती रहती है जब तक उसे ऑक्सीजन मिले। व्हेन द कैंडल इज कवर्ड विद अ कंटेनर, जब हम कैंडल को किसी कंटेनर के साथ, ग्लास के साथ, मैं ग्लास की बात करूँ, शीशे के ग्लास के साथ कवर कर देते हैं, द कैंडल स्टॉप बर्निंग। कैंडल जलना बुझ जाती है, बंद कर देती है। द कैंडल फ्लेम एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश कहते हैं बुझ जाती। ये एक ग्लास है, ये ग्लास है, इट्स कैंडल, जस्ट कंसीडर इट्स कैंडल, पुट ऑन द टेबल, इसे टेबल पे रखिए, कैंडल को इसे जलाइए, बर्न कीजिए, एक मिनट देखिए, बड़ा अच्छा उसे ऑक्सीजन मिल रही है, उसका फ्लेम बर्न करता रहेगा। अब इस ग्लास को लीजिए और इसे कैंडल के ऊपर उल्टा करके वो देना सेकेंड, आप देखेंगे जब तक ग्लास के अंदर ऑक्सीजन है वो कुछ सेकंड, कोई 5-6 सेकंड बर्न करे, सेकंड की बात कर, नॉट मिनट, और इमिडिएटली बेसिस पे वो बुझ जाएगी। एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश मींस बुझ जाना, बुझ जाना। क्यों बुझ गई, क्यों एक्सटिंग्विश हो गई? इसलिए कि अब उसे ऑक्सीजन नहीं मिली, हमने उसके गेट एक कंटेनर लगा दिया है, उसे बाउंड कर दिया है स्पेसिफिक एरिया में जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगी, कैंडल बर्न करना खत्म कर दे। इससे हमें पता चलता है कि चीजों को जलने के लिए बर्निंग प्रोसेस में ऑक्सीजन इज द मेन रोल, ऑक्सीजन का मेन रोल है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, वी कांट कुक आर फूड, हम अपना खाना तक तैयार नहीं कर सकते। क्यों जंगलों में आग इतनी जल्दी से भड़क जाती है, इतनी जल्दी लग जाती है? तो थोड़ी सी आग लगी थी, विद इन सेकंड देखा पूरा का पूरा जंगल तबाह हो गया, जल गया। क्यों? क्योंकि वहां ऑक्सीजन बहुत सारी है। ऑक्सीजन उसको, जितनी आग को ऑक्सीजन मिलेगी वो फैलती जाएगी, फैलती जाएगी। इसलिए जंगल में और इस तरह की खुली जगहों पर जब आग लगाई जाती है तो वो बहुत जल्दी से फैल जाती है। क्लियर? अब आपको पता चला ऑक्सीजन इज द कॉज टू बर्निंग फ्लेम्स, बर्निंग थिंग्स। सी द नेक्स्ट पिक्चर। इस पिक्चर में देखिए कि एक पर्सन जो है वो वेल्डिंग कर रहा है, काम कर रहा है, एंड ऑक्सी एक्सटर्नली टॉर्च यूजेस फ्यूल्स एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ वेरी हॉट फ्लेम। दिस हॉट फ्लेम इज यूज्ड टू कटिंग एंड वेल्डिंग मैटर। इस बर्निंग फ्लेम के थ्रू, इस बर्निंग टॉर्च के थ्रू चीजों को वेल्ड किया जाता है, मेटल्स, मेटल्स। आपने देखा हमारे घर में लोहे के दरवाजे अक्सर, खिड़कियां टूट जाती हैं तो आपके फादर किसी को बुलाते हैं कि आके जरा
जोड़ दो, जाली को सही कर दो या दरवाजे को सही कर दो, तो वो वेल्डिंग है। उसमें भी उसकी बर्निंग फ्लेम के लिए भी ऑक्सीजन की वहाँ ज़रूरत होती है, तो प्रोड्यूस अ वेरी हॉट फ्लेम। उसमें बहुत ही खास किस्म का फ्लेम यूज़ किया जाता है, बर्निंग फ्लेम। दिस हॉट फ्लेम इज यूज टू कटिंग, और इस फ्लेम की मदद से, उस आग की मदद से वेल्डिंग और कटिंग की जाती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्लियर हो गया हमारा। ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ऑक्सीजन इज वेरी एसेंशियल फॉर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में प्लांट्स की हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं टू मेक द प्रोसेस। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात आ रही है तो फिर से हम प्लांट्स पर आ जाते हैं। ठीक है, पिक्चर में देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस दैट प्लांट्स नीड टू मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स विल डाई फ्रॉम द लैक ऑफ फूड। एनिमल्स विच डिपेंड्स ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अच्छा जी, अब ये हमें बता रहे हैं, सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए, एक प्लांट है, वॉटर ये कहाँ से ले रहा है? अंडर द सॉइल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये देखिए लीव से ले रहा है, एनर्जी सन से ले रहा है, ऑक्सीजन एनवायरमेंट से ले रहा है, एंड ग्लूकोज उस ऑक्सीजन से ले रहा है, और रिलीज क्या कर रहा है? ऑक्सीजन। रिलीज क्या कर रहा है? ऑक्सीजन। इनहेल क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा, एनर्जी ले रहा है। इस प्रोसेस में देखिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, ये तीन चीजें से जाएंगे। ठीक है, अब ये तीन चीजें साइड, इसने अपना फूड बनाया और रिलीज क्या कर रहा है? ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन हम यूज कर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी स्पीशीज जो है, लिविंग थिंग्स जो है, एनिमल्स जो है, यू और मी डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर। अगर प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती या वो अपना खाना नहीं बनाते, तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट हम पर भी, बिकॉज बहुत सारे एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स। उन एनिमल्स को क्या कहते हैं? अभी मेरे ख्याल से मैंने अभी की क्लास में पढ़ाया था, 4 में या 5 में नहीं भी पढ़ाया था, आपका टॉपिक ना भी तो आपको पता होना चाहिए। कौन से एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं? नाम पता है? कार्निवोर्स। टीचर ने गलत बोला तो आप, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस दोज एनिमल्स विच ईट प्लांट्स। कार्निवोरस जो के उन एनिमल्स को खाते हैं जो के प्लांट्स खाते हैं। एंड ओमनीवोरस वो होते हैं जो के एनिमल्स और प्लांट्स दोनों खाते हैं, यू एंड मी। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो हम प्लांट्स को खा रहे हैं, और जो डायरेक्टली प्लांट्स को खा रहे हैं हर्बीवोरस, वो तो डाई हो जाएंगे अगर प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी और प्लांट्स अपने खुद नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो चेन है, इस चेन को कंटिन्यू रखने के लिए हमें अपने एनवायरनमेंट को नीट और क्लीन रखना है, ताकि प्लांट तो सफाइयां नहीं करेंगे ना, प्लांट तो जाके पोल्यूशन नहीं करेंगे, प्लांट तो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वो तो बेचारे एक जगह पे खड़े हैं। ये सब कौन कर रहा है? यू एंड मी, यू एंड मी, and this is our responsibility. Being a human being, this is our responsibility to keep clean our environment. हमें अपना atmosphere, अपना environment clean रखना चाहिए, ताकि हमें अच्छी अच्छी air मिल सके, fresh air मिले, हम भी healthy persons बने और plants भी healthy. जब plants healthy होंगे वो हमें healthy food provide. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। कार्बन डाइऑक्साइड नॉट सपोर्ट फॉर बर्निंग, इट कैन बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर्स। ये आपको बुझाने के काम आना है। जब कभी आपने देखा होगा बिल्डिंग्स में, फॉरेस्ट में, या आपके घरों में जहां कहीं आग लगती है, जो फायरमैन बुलाए जाते हैं, जिनके पास सिलेंडर्स होते हैं, जैसे कि पिक्चर में सिलेंडर देखते हैं, ये सिलेंडर किस गैस के भरे होते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन जो है फॉर बर्निंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर स्टिंग्विश, बुझाने के लिए. क्लियर? ये दो चीजें याद कर ली. ऑक्सीजन चीजों को जलाने के काम आती है, मदद करती है, सपोर्ट करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने के काम. जब कभी आग लगती है तो आपको पता होना चाहिए वो सिलेंडर जो भागे भागे रेड कलर के लेके जा रहे होते हैं फायरमैन, उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेंक रहे होते हैं कि आग बुझा. ठीक है, क्लियर? डू यू नोटिस दैट मेनी टाइनी बबल्स इन फिजी ड्रिंक्स. ड्रिंक में देखा है आपने, जब ग्लास में कोका कोला या दूसरी कोई भी ड्रिंक डालते हैं तो कोका कोला में जरा ज्यादा पता चलता है क्योंकि ब्लैक कलर की होती है, जो पर बबल्स आते हैं वो व्हाइट से कलर होते हैं, तो उस पर जरा ज्यादा ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन ऐसा है ना, प्रोमिनेंट ज्यादा होता है. डू दीज बबल्स कंटेन, ये बबल्स होते किस चीज के हैं? द बबल्स कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड. ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है. कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्विंग दीज रिंग्स टू मेक देम फिजी. कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही ये ड्रिंक्स फिजी होते हैं. जब एक बार आप उसका कैप खोल लेते हैं तो उसके बाद उस ड्रिंक में वो मजा नहीं होता क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सारी निकल चुकी है. फिर वो सिर्फ एक मीठा पानी होता है, ब्लैक ड्रिंक होती है, पानी होता है और कुछ नहीं. पेप्सी पीने का ड्रिंक्स पीने का मजा ही तब होता है जब आप उसे खोलें और इंजॉय. बहुत ज्यादा नहीं पीनी चाहिए लेकिन उसको पीते हैं, इतना कम नहीं, इतना ज्यादा नहीं, लेकिन कभी कभार पी लिया था. हेल्दी डाइट में तो नहीं होती लेकिन पी लेनी चाहिए कभी कभी, उनसे टाइम नॉट टू मच बिकॉज बीइंग अ साइंस टीचर मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि मेक इट हैबिट. डोंट मेक इट हैबिट बट वंस यू कैन, आप ड्रिंक कर सकते हैं, इसे पी सकते हैं. बिजी ड्रिंक है, अच्छी ड्रिंक्स होती हैं. इससे अच्छा होता है कि जूसेस को प्रेफर किया जाए. जूसेस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी वो, और हाँ जो पैक बाहर के जूसेस होंगे उसमें होगी, जो आप अपने घर में जूस बना रहे हैं उसमें. इसलिए ऑलवेज प्रेफर टू मेक जूसेस एट योर होम. अपने घर में जो जूसेस बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छे. अब आपको ये पता होना चाहिए, अब आप नेक्स्ट टाइम जब फिजी ड्रिंक लेंगे तो आपको फौरन माइंड में आएगा कि टीचर ने बताया था कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, और जब उसे थोड़ा सा यूं यूं शेक करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम. आई थिंक मेरे फ्रिज में पड़ी हुई है, मैं आपको भी शो करूँ. मैं जरा अपना कैमरा ऑफ करूँ, एक सेकेंड. यस, नाउ सी दिस इज पेप्सी बॉटल, पेप्सी ड्रिंक. आई शेक इट इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन सी द बबल्स, देख रहे हैं व्हाइट. जी मैं आप लोगों को बता रही थी फिजी ड्रिंक के बारे में कि इसमें जो बबल्स बन रहे होते हैं व्हाइट कलर के वो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं. जैसा कि मैंने इस पेप्सी की बॉटल में आपको शो करके दिखाया, अभी दो दिन हो गए इस बॉटल को, दैट्स व्हाई इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम क्वांटिटी में, बट यू कैन सी कि जो व्हाइट बबल्स है इट्स कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ही इस को फिजी बनाती है ड्रिंक को. सी द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव अनदर गैस नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज द मोस्ट एड बैंडेड गैस इन द एयर. इट हैज मेनी यूजेस, इसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं. ये हवा में एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा मिकदार में है. ठीक है, इसके इसके यूजेस भी ज्यादा है. नाइट्रोजन इज यूज इन फूड पैकिंग. आपने देखा होगा कि जो आप लेज खा रहे होते हैं या फूड पैकिंग बिस्किट्स होते हैं, इन सब की जितनी भी पैकिंग्स हैं इनकी पैकिंग में नाइट्रोजन गैस यूज होती है. एज नाइट्रोजन इज एन इनएक्टिव गैस, मैनी फूड्स पैकिंग आर फिल्ड विद इट. दिस एक्सक्यूड्स ऑक्सीजन फ्रॉम द फूड. ये फूड को
ऑक्सीजन से पाक कहना चाहिए या खराब नहीं होने देना, ठीक है, बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन. ऑक्सीजन कैन टर्न द फूड बैड, ऑक्सीजन जो है वो इस फूड को खराब कर देगी, लेकिन नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से पैकिंग फूड्स में नाइट्रोजन फिल की जाती है. आपने देखा होगा वो फट करके भी एक दफा फटके वो नाइट्रोजन वो इसीलिए फिल किया जाता है फूड पैकिंग्स में कि वो कुछ अरसे तक फूड जो है वो सेफ रहे, अदरवाइज उसके अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो उस खाने को उस फूड को डिस्ट्रॉय कर देगी, खराब कर देगी. दिस इज द रीजन इन पैकिंग फूड्स नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड इन एंड बैंडेड ज्यादा मिकदार में, ठीक है. बस आपको इतना क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो आपकी पैकिंग फूड्स आप खा रहे हैं उसमें नाइट्रोजन गैस होती है. रीजन क्या है कि वो फूड को सही रखती है, फूड को सेफ रखती है, फूड को खराब नहीं होने देती फॉर सम स्पेसिफिक टाइम. अगर उसकी डेट एक्सपायरी लिखी हुई है तो उसके बाद वो आप ये बस सोचिए कि इसमें नाइट्रोजन है मैं खा लूँ, 6 महीने पुराना उठा के लेस का पैकेट खा लूँ. डोंट डू इट, ऐसा मत कीजिए. एयरक्राफ्ट टायर्स आर फिल्ड विद ड्राई नाइट्रोजन गैस. ये जो आपने एयरक्राफ्ट देखे हैं, जहाज देखते हैं, इनके जो टायर्स होते हैं इसमें भी नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है और ये बहुत ही प्रेशर से फिल की जाती है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीएनजी सिलेंडर्स में जो गैस डाली जाती है वो बहुत ही प्रेशर से भरी जाती है ताकि कम स्पेस में ज्यादा गैस आ जाए, ठीक है. नाइट्रोजन इज यूज्ड टू मेक अमोनिया, अमोनिया एसिड, अमोनिया बनाने के काम भी नाइट्रोजन गैस का काम आता है. और अमोनिया क्या करता है, टू मेक योर फर्टिलाइजर्स. ये जो आपकी खादें होती हैं, खाद आप अगर बहुत सारे बच्चे आपके घर फादर वगैरह इफ यू बिलोंग टू गांव तो आपने विलेज वगैरह देखे होंगे, वहां पर जब फील्ड्स में जाते हैं तो एक मखसूस किस्म की बोरियां होती हैं यूरिया की, खाद की, फर्टिलाइजर्स की, जो हमारे प्लांट्स को, हमारी प्लांटेशन को हेल्दी बनाती है. उसमें अमोनिया के साथ नाइट्रोजन मिली है, अमोनिया को बनाता ही नाइट्रोजन गैस है. फर्टिलाइजर्स, हमारी फर्टिलाइजर्स में भी नाइट्रोजन गैस यूज होती है. मीन्स कहीं ना कहीं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू कैन से कि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन भी जरूरी होती है. वो नाइट्रोजन उसे फर्टिलाइजर में से मिलती है. फर्टिलाइजर कहाँ है, वो इस मट्टी में मिक्स किया हुआ है जो कि वो बाय द हेल्प ऑफ रूट्स इनहेल करता है प्लांट, ठीक है. सिर्फ अब कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र कर दिया कि प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप सारी जिंदगी डू यू जस्ट थिंक अबाउट इट कि प्लांट्स नीड दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड. नो, यहाँ पर देख लीजिए नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में काम आ रही है, खाद में काम आ रही है, खाद बन रही है उससे. तो खाद किसके लिए बन रही है, प्लांट्स के लिए बन रही है ना. तो खाद मैं तो नहीं खाऊंगी, आप भी नहीं खाएंगे, कौन खाएगा, वो किसके फूड बनाएगी, तो प्लांट्स. नोबल गैसेस, कुछ नोबल गैसेस हैं जिनमें हमारे पास हीलियम है, नियॉन है, आर्गन. नोबल गैसेस आर इनएक्टिव गैसेस. एक होती है एक्टिव गैसेस जिनके क्वांटिटी ज्यादा होती है और यूजेज भी ज्यादा होते हैं. यूज तो खैर इनका भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है. दे एग्जिस्ट इन द एयर इन टाइनी अमाउंट, बट इनका अमाउंट इज वेरी लेस इन एयर देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन. तीन हमारे पास बड़ी गैसेस हैं जिनका इस्तेमाल ज्यादा है. देखिए अभी नाइट्रोजन का कितना खास यूज बताया था. इसी तरह से who want to enter, there is no name. Okay. Helium is used to fill airships and balloons. Balloons पे जो गैस भरी जा रही है वो कौन सी है, हीलियम. एयरशिप्स में भी देख लीजिए आप. See the next slide. Neon. Neon is the name of gas. Neon is used in neon lightings and advertisement signs. आपने बोर्ड्स पर और शॉप्स के बाहर रात के टाइम बड़ा ही लाइटिंग के साथ ब्लिंक करते हुए कुछ साइंस पढ़ते जाते हैं.
बोल सके उन्होंने जो वो किस वो साइंस और वो एडवर्टाइजमेंट किस गैस से बने होंगे, नियॉन से बने, नियॉन गैस। ठीक है, हर चीज का हर गैस का कोई ना कोई यूज है। अब देख लेते हैं ना, रात में पिज्जा हट बड़ा ही प्यारा सा लिखा होता है ग्रीन कलर का, तो 4-5 months हो गए मैं तो कुछ पिज्जा हट नहीं गई उससे, कुछ माइंड में से निकल गया। आई रिमेम्बर कुछ ऐसा ही है कि ब्लू ग्रीन कलर का होता है पिज्जा हट, तो वो जो ब्लिंक करता हुआ और लाइटिंग के साथ उनका बोर्ड बना हुआ है, एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है बोर्ड्स पर, वो किस गैस से बनाई होती है, नियॉन गैस X5 somewhere neon sign, neon sign, neon का साइन भी आपको दिखा रही है। ठीक है, सी द नेक्स्ट स्लाइड। आर्गन फिल्ड बल्ब, आर्गन इज यूज टू फिल लाइट बल्ब्स, आपके जो बल्ब्स हैं घरों में जल रहे, अभी आई डोंट हैव बल्ब वरना मैं आपको शो कर दी, इसके अंदर क्या फिल किया हुआ है, आर्गन, ARGON, आर्गन इज अ नेम ऑफ गैस। अब आपको ये चीज फॉर एवर याद कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पे यही कर दूंगी फॉर एवर के लिए, इसे याद कर लीजिए कि आप जब कभी बल्ब देखें तो आपको पता हो कि बल्ब में कौन सी गैस फिल की हुई, आर्गन, यस, रिमेम्बर आर्गन। ये जो साइन बोर्ड से अब रात को बाहर निकलेंगे ना, गाड़ी में बैठी है तो देखिएगा, अच्छा ये साइन बोर्ड किस कौन से गैस के बने हुए, नियॉन के। इस तरह से चीजों को रिकॉल किया करें, दूसरों के साथ डिस्कस किया करें, अपने पेरेंट्स को बताया करें, अपने छोटे बहन भाइयों को बताया करें, बड़ों को बताया करें, आपको चीजें रिमेम्बर ही तब रहेंगी जब आप उसे डिस्कस करें। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई स्टोरी बताई जाती है ना, आप कितना आपकी खोल खोल के यूं करके से सुन रहे होते हैं, वो लाइक स्टोरी होती है, तो मैं आपको इसी तरीके से पढ़ा रही लाइक स्टोरी। बल्ब के अंदर कौन सी गैस है, आर्गन, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स ब्लिंक्स करते हुए बने होते हैं रोड्स पे पब्लिक सिटी के लिए, ये किस गैस से फिल किए होते हैं, नियॉन से। अच्छा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से खाद भी बनती है, अच्छा हमारे टीचर ने बताया, बाबा आपको पता है, मम्मा आपको पता है कि जो फर्टिलाइजर्स के प्रोसेस होता है, ये जो खाद आप हम गाँव में डालते हैं पौधों में, इसमें नाइट्रोजन भी मिक्स होता है, इस तरह से चीज़ों को क्या। Helium, neon and argon are used to make lasers. See, lasers lights जो होती हैं आपने देखा होगा, इनके different uses होते हैं, different categories में होते हैं, अब तो toy type में भी lasers आ रही होती हैं, तो इसमें कौन सी gases होती हैं, Helium, neon and argon, ये gases, ठीक है, and lasers. Some gases can be harmful in large amount. कुछ gases जो हैं वो बहुत ही हार्मफुल होती हैं इन अ लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अदर आर पॉइजनस इवन इन स्मॉल अमाउंट, कुछ पॉइजनस गैसेस भी हैं लेकिन थैंक गॉड पॉइजनस गैसेस जो हैं उनकी अमाउंट, उनकी क्वांटिटी कम है बनस्बत यूजफुल गैसेस जैसे हमारी कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखिए मैं बार बार रिकॉल करवा दूँ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, क्योंकि हमारी यूज की ज्यादा है, ज्यादा क्वांटिटी है इनकी। फिर आ जाती है हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। उसके बाद कुछ गैसेस हैं जो कि हार्मफुल हैं, कुछ पॉइजनस हैं, उनके बारे में। वी लर्न दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स टू मेक फूड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही प्लांट्स की सन एनर्जी में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में प्लांट्स अपनी फूड बनाते हैं। हाउएवर टू मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, जबकि साथ हमें ये बात भी पता होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की ग्लोबल वार्मिंग का बायस है। अब ग्लोबल वार्मिंग को खत्म किस तरह से किया जा सकता है, प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा करें। अब कुछ साल हुए हैं ना, कुछ साल हुए हैं कि हमने ग्लोबल वार्मिंग का वर्ड सुना है, या हमें ये पता चला है कि हमारा एटमॉस्फेयर इतना खराब हो रहा है कि वो जो ओजोन की लेयर है वो तक डैमेज हो गई है, इस वजह से कि लोगों ने प्लांटेशन खत्म कर दी है।
अब प्लांट्स खत्म करके जगह जगह पे बिल्डिंग्स खड़ी कर देते हैं, बिल्डिंग्स बना देते हैं, घर बना देते हैं, रेस्टोरेंट्स बना देते हैं। जब प्लांट्स खत्म कर दिए हैं, प्लांट्स सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को, जबकि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा क्वांटिटी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बन, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो, हमारा एटमोसफेयर खराब हो जाएगा। सॉरी, अच्छा जी, तो हमने करना क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ गुड सिटीजन, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू एंड मी कि हम प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा करें। अब प्लांटेशन के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि आप 100 पौधे खरीद लीजिए और वो अपने घरों के बाहर क्यारियों में लगा दीजिए। 1 person 1 plant, एक बच्चा एक प्लांट लगाए, छोटा सा एक्सपेंसिव नहीं होगा, उसकी केयर कीजिए, 2 साल में देखिएगा, 2 साल में क्या, 6 महीने में देखिएगा वो कितना बड़ा ट्री हो जाएगा, और फिर वो आपको दुआएं देगा ना। एक आपने एक चीज को वैसे एक बेबी पाला है, फिर उसकी केयर कर रहे तो अल्लाह मियां तो उसका सवाब नहीं देंगे। इस तरह से क्या होगा, अगर 100 बच्चे भी 100 पौधे लगा लेंगे, 100 दरख्त लग जाएंगे, तो आप सोचो आप जिस इलाके में रहते हो वहाँ कितना नीट एंड क्लीन एनवायरमेंट हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग है किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, और कोई उसकी वजह नहीं, नथिंग एल्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स हीट इन द एटमॉस्फेयर, ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज मेनी प्रॉब्लम्स सच एज क्लाइमेट चेंज, लूज ऑफ हैबिटेट्स और राइजिंग सी लेवल्स। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब हो क्या रहा है, जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं, एक तो सबसे ज़्यादा कि हमें अपना हैबिटेट ख़त्म हो रहा है, हमारा हैबिटेट वो इन्वायरमेंट जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, जब वो ही ख़त्म हो जाएगा, एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे, फिशेस ख़त्म हो जाएंगी, आग ख़त्म हो जाएंगे, मैं ख़त्म हो जाऊँगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो फिर अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से बढ़ती रही तो हम तो सारे के सारे हैबिटेट्स हमारे ख़त्म हो जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, सी लेवल बढ़ जाता है। किसकी वजह से, एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना इज नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील, ट्रस्ट मी। इतनी मिलियंस की आबादी में अगर 50% लोग भी प्लांटेशन लग करते हैं, पौधे लगाते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो आपकी ग्लोबल वार्मिंग तो जीरो पे आ जाती है। हम एक कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल नहीं कर सकते, हाउ इट्स पॉसिबल, हम इतने प्लांट लगा दें, इतने प्लांट लगाएं, इतनी प्लांटेशन करें कि सारे के सारे प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करें, वो जब कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे तो वो क्या रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली हेल्दी हेल्दी हो जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लिविंग थिंग्स, जो जो लिविंग थिंग ऑक्सीजन यूज करता है वो ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन यूज करेंगे, हम भी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करेगा, वो प्लांट यूज करेंगे। जब प्लांट से खत्म हो रहे तो ग्लोबल वार्मिंग रेज हो रही है। गॉड से प्लीज, मैं आपको बहुत स्टोरी वे में, बहुत सिंपल वे में, अभी आप लोग जिस स्टेज पर हैं, लर्निंग प्रोसेस में हैं, ग्रोइंग एज में हैं, इन चीजों को अंडरस्टैंड करें, बिकॉज यू आर द एसेट ऑफ आर कंट्री, आप हमारे मुल्क का एसेट है, इस कंट्री को, इस मुल्क को आप लोगों ने चला, हमारा टाइम चला गया, हमने जो बनना था हम बन गए, यू आर ऑन दैट स्टेज कि यू कैन डू मच बेटर, आप बहुत अच्छा कर सकते फॉर योर कंट्री, थिंक अबाउट इट, गुड सिटीजन बन जाए ना, अच्छे शहरी बन जाए, ये बहुत बड़ी बात। अब वो बनना किस तरह से, जो टीचर सारा दिन आपको पढ़ा रही है, समझा रही है, इतनी ईजिएस्ट वे, उन चीजों को पिक करें। अब कल मैं आप लोगों से पूछूंगी ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, हाउ वी डिक्रीज, हम इसे डिक्रीज कैसे कर सकते, हम इसे खत्म कैसे कर सकते, व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और कौन सी गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, और अब जो पॉइजनस गैसेस पड़ रही,
carbon dioxide is a poisonous gas. Poisonous to make our environment dirtier, atmosphere, global warming की तरफ हम जाते हैं. ठीक है, ये पता होना चाहिए. जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज पता है तो हम इसके साथ ये भी पता है कि पता होना चाहिए कि वो हार्मफुल कहाँ पर है. Some gases such as carbon monoxide and sulfur dioxide are poisonous even in small amounts. दो गैसेस का और जिक्र हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. ये दो गैसेस भी पॉइजनस गैसेस हैं, लेकिन इनकी अमाउंट, इनकी क्वांटिटी एटमोसफेयर में, हवा में थोड़ी है. दे इफेक्ट आर हेल्थ नेगेटिवली एंड कैन कॉज डेथ. ये हमारी हेल्थ पर मनफी असरात करती हैं, मनफी असरात करते हैं और डेथ का बाइस पर, बिकॉज दीज आर पॉइजनस गैसेस. They affect our health negatively and can cause death or death ka cause hai. Smoke from factory chimneys, exhaust pipes of vehicles and burnt tobacco contain poisonous gases such as carbon monoxide and sulfur dioxide. Deep. आपने ये चिमनीज में देखा है, व्हीकल्स में देखा है, फैक्ट्रीज में से जो स्मोक निकल रही होती है, ये सब की सब फुल ऑफ पॉइजनस है, मेड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. ऊपर भी इन्हीं दो गैसेस का जिक्र किया है. ये हवा में, एनवायरनमेंट में जितनी ज्यादा मिक्स होती जाएंगी, ये हमारी डेथ का बाइस बन. आपने देखा होगा वो लोग जो कि इन इलाकों में, जिन इलाकों में रहते हैं जहाँ पर फैक्ट्रीज होती हैं, आप देखिए उन्हें सांस की तकलीफ रहने लग जाए. क्यों? क्योंकि उनके एनवायरनमेंट में ये जो स्मोक है इतनी ज्यादा डिसॉल्व हो चुकी होती है कि जब वो इनहेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ ये पॉइजनस गैसेस भी उनके अंदर जाती हैं जो कि उनके लंग्स पे इफेक्ट करते हैं. मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि इस तरह की फैक्ट्रीज की जगह पर, जहाँ पर चिमनीज होती हैं, जहाँ से स्मोक निकल रही होती है, वहां रहते हैं. इसको भी छोड़े, शहर और गांव, सिटी एंड विलेज के लोगों का हेल्थ में बहुत फर्क होता है. कैसे होता है? इसलिए होता है कि गांव में तो कोई फैक्ट्रीज ही नहीं होती. शहरों में फैक्ट्रीज होती हैं, सिटीज में फैक्ट्रीज होती हैं, व्हीकल्स होती हैं, वो सारा दिन इतना स्मोक निकालती हैं, इतना एनवायरमेंट को डर्टी करती हैं. गांव में आप जाएं, आप हर तरफ प्लांटेशन देखेंगे, आपको ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं और सांस लेने में अच्छा लगता है. बिकॉज वहां पे एनवायरमेंट नीट एंड क्लीन है. उस एनवायरमेंट को नीट एंड क्लीन कौन बना रहा है? वहां के लोग किस तरह से? क्योंकि उनके पास करने के लिए सिर्फ एक काम है, दैट इज प्लांटेशन. जो वहां खेती बाड़ी करते हैं, शहर के लोगों का लाइफ स्टाइल डिफरेंट होता है. वो सारा दिन एसी में, गाड़ी में, फैक्ट्रीज में रहते हैं. ये वो सारी चीजें हैं जो कि उनको फॉर द टाइम बीइंग एसी फैसिलिटी तो दे रहा है, लेकिन वो फ्रेश ऑक्सीजन तो नहीं दे रहा. डेफिनेटली इससे हमारे लंग्स पे, हमारे बॉडी ऑर्गन्स पे, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स पे फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है. हम बड़ी जल्दी बीमार हो जाते हैं. थोड़ा सा सीजन चेंज हो जाता है, हमें नजला जुकाम खांसी शुरू हो जाता है. गाँव के लोगों को कुछ स्वेटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता. उन्होंने सुबह चादर उठानी है, बाहर जाना है, खेतों में काम करने शुरू कर देना. थैंक गॉड के वी आर सर्वाइविंग इन आइडियल लाइफ. आइडियल लाइफ है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह. हम इसे ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने जो हमें नेचुरल चीजें दी हम उन्हें नीट एंड क्लीन तो रख सकते हैं. अल्लाह ताला ने तो हमें स्मोक नहीं बना के दी ना उसमें. अल्लाह ताला ने तो हमें बहुत फ्रेश एनवायरमेंट दिया, बहुत फ्रेश हर चीज दी है. उसे अच्छा या बुरा बनाना हमारे अपने हाथ में. अब आपको बता दिया कि स्मोक जो है वो आपके लिए डेथ का बाइस बन सकती है, तो हमें स्मोक को खत्म करना है. अब खत्म कैसे करना है? प्लांटेशन करें, बहुत ज्यादा प्लांटेशन करें. प्लांटेशन तो समझे एक ही सॉल्यूशन है एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखने का, वो है प्लांटेशन. क्योंकि जब प्लांटेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाएगी. जब कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज करते रहेंगे प्लांट्स, तो आपका एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली, आप एरियाज में देखिए, आप उन एरियाज में कैंट साइड पे जाइए, कैंट में प्लांटेशन काफी सारा, यू फील गुड देयर, आपको वहां जाके अच्छा लगेगा.
एक नेचुरल चीज है ना, अल्लाह ताला ने जब एक नेचुरल चीज बनाई है कि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है, प्लांट्स आपको फ्रेश ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो वो हमें कैसे नहीं अच्छी लगी? अल्लाह ने गलत नहीं कह सकते ना, उन्होंने जो हमारे लिए नेचुरली जो चीज बनाई है ऑब्वियसली वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। उसे डर्टी कर दिया है हम लोगों ने और हमने ही उसे साफ किया। Do promise with me at least हर बच्चा इस क्लास में, if you are attending, अगर 10 बच्चे इस वक्त मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो 10 प्लांट्स लगाएं। वन प्लांट वन पर्सन, मैं भी करूँ इंशाल्लाह। I try my level best कि मैं शाम तक 6-7 o'clock तक बाहर जाऊँ और एक छोटा सा 20-25 rupees घर के बाहर क्यारी है ना उसमें लगा दी रोज उसको थोड़ा सा। और अभी तो जो सीजन बारिश का है तो उसमें तो वैसे ही बड़ा अच्छा ग्रो करेंगे, सर्वाइव करेंगे। डू प्रॉमिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे मतलब कि पढ़ के और आपको पढ़ा के ना मैं आई फील वेरी बैड, मुझे बहुत लिटरली आई फील अपसेट के हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत खराब कर तो साफ कर। जी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इट्स एंड। जी ये लास्ट हो गया है, हमने पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है, सम गैसेस आर पॉइजनस। Okay, now stop share and come with me on screen. G, now all of you put on your mics. Sab apne mics on kijiye. Mics on kijiye. Hello. Mics on kijiye. Yes, teacher. Hello, miss. Hello, teacher. G. Final. Final. My on BJ, beta. Hi. Say hi, teacher. Hi. बताइए. Do you understand the chapter? Importance of environment. Importance of gases in our life. समझ आएंगी चीजें? क्या समझ आया? जो प्लांट्स होते हैं ना उन्हें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। जी सवेरा आप बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। क्या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को देखते हैं और ऑक्सीजन। व्हिच थ्री गैसेस आर इम्पोर्टेंट इन लार्ज अमाउंट इन एनवायरनमेंट? वो कौन सी तीन गैसेस हैं जो कि ज्यादा अमाउंट में एटमॉस्फेयर में शामिल हैं? वो कौन सी थ्री गैसेस हैं? मैंने पढ़ाएंगे ना अभी थ्री। नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके अब आप बताइए नेक्स्ट गर्ल। मैं टेल अबाउट ऑक्सीजन, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सीजन इन आवर लाइफ? ऑक्सीजन का क्या इस्तेमाल है, यूज है? हेलो जी जी ऑक्सीजन, टेल मी अबाउट ऑक्सीजन। हेलो यस आई एम हियरिंग। हेलो टीचर बोलिए बताइए ऑक्सीजन। What is the use of oxygen in our life? Why oxygen is very important for us? Oxygen मतलब कि plant को नहीं धोखा नहीं देता। Sainath, come on. Sainath आप बताइए। Sainath, आपको मेरी आवाज आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करता है?
ओके इसे रिव्यू कीजिएगा, पढ़िएगा, टुमारो आई विल आस्क यू. ओके बाय बाय.